हेलो एवरीवन। तो जब भी एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर फोटोन की बात की जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स को कैसे किया जाता है उसे समझते हैं। तो देखिए, अगर हम एक फोटोन के एनर्जी की बात करें, एक फोटोन की एनर्जी, तो वो होती है एच न्यू। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे फोटोन हैं, एन फोटोन की एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे एन एच न्यू। तो यहां पर देखिए, हमें कैसे हम अपने प्रश्न तक पहुंचेंगे। यहां हमें तरंग संख्या x, तरंग संख्या मतलब वेव नंबर, हमें ये वैल्यू दी गई है x, इसका अर्थ होता है 1 बाई लैम्डा। तो बच्चों देखिए, यहां पर फोटोन की संख्या क्या होगी, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू को निकालना है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उपस्थित हैं। तो देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू n h न्यू, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n h न्यू को हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, यानी वेव लेंथ। अब देखिए बच्चों, यहां पर 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हमें x दी गई है और एनर्जी हमें क्या दी गई है, 10 जूल। तो यहां पे 10 इज इक्वल टू एन एच सी और 1 बाई लैम्डा की वैल्यू है इंटू एक्स। तो यहां पर एन की वैल्यू हो जाएगी 10 बाई एच सी एक्स। तो यहां हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।